उज्जैन में एक दिन पहले सावन माह के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। सवारी में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान गोपाल मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दरअसल गोपाल मंदिर पर भाजपा पार्षद दिलीप परमार और पंकज चौधरी सवारी में शामिल होना चाह रहे थे। ऐसे में दोनों पार्षद गोपाल मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद नगर सुरक्षा समिति के सदस्य ने दोनों पार्षदों को धक्का देकर रोक दिया, जिससे हंगामा मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदुवादी संगठन के नेता रुपेश ठाकुर ने तत्काल ही नगर सुरक्षा समिति के सदस्य को नसीहत देते हुए दोनों पार्षदों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिलवाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।